एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा था, उससे पहले वाले वीडियो में हमने किडनी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किडनी में 800,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हाउ मच? 800,000 नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाए जाते हैं। इसका अध्ययन करने वाले को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जो इसकी पढ़ाई करेगा उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और पढ़ने के बाद जब ये डॉक्टर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। आप क्या बोलोगे? आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मतलब आप अपनी किडनी की समस्या को लेके कहाँ जा रहे हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। इस तरीके का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे वाले पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ वुमेन्स कैप्सूल होता है, ये नेफ्रॉन दिया ही हुआ है। अब बहुत सारी बुक्स में दिया होता है, एनसीईआरटी के में ग्लोमेरुलस की लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन दी होती है और हमको समझ में नहीं आता है कि ग्लोमेरुलस एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, ग्लोमेरुलस का जो मेन काम है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है। किसका काम है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। जो भी हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज है उसको छान के कौन रख लेता है? ग्लोमेरुलस रख लेता है। जिस तरीके से हम चाय छानते हैं तो वो छन्नी में क्या क्या पार्टिकल्स आ जाते हैं, आपने देखे है ना? चाय की पत्ती आ जाएगी, अदरक आ जाएगा, इलायची के छिलके आ जाएंगे, जो भी आपने डाला हुआ है वो आ जाएगा। उसी तरीके से अशुद्ध रक्त के पार्टिकल्स को कौन रख लेता है? ग्लोमेरुलस रख लेता है। रक्त से कणों को छानता है, मतलब खून से कण पार्टिकल्स को छानता कौन है? ग्लोमेरुलस छानता है। और जो प्योर ब्लड होता है उसे वापस कर देता है ब्लड में। तो समझ में आया ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। हमारे ब्लड में से इम्प्योरिटीज छान के पार्टिकल्स को कौन रख लेता है? ग्लोमेरुलस रख लेता है। क्लियर? अब बात आती है वुमेन्स कैप्सूल की। वुमेन्स कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कप शेप्ड कैप्सूल होता है। किस शेप में होता है? कप शेप कैप्सूल में। अब इसका क्या काम होता है? इम्पोर्टेंट पदार्थ थे उन्हें रीऑब्जर्व कर लेता है। मान लीजिए वुमेन्स कैप्सूल को फीलिंग आई कि यार ये तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो उसको आगे भेजेगा नहीं, फिल्टर नहीं करेगा वो उसको अपने पास रख लेगा और रखने के बाद में उसे वापस ग्लोमेरुलस को भेज देगा कि इसको ब्लड में वापस से मिला दो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको वो रीऑब्जर्व कौन कर लेता है? वुमेन्स कैप्सूल कर लेता है। इम्पोर्टेंट पदार्थ थे उन्हें रीऑब्जर्व कर लेता है। आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है, मतलब उनको यूज कर लेता है। कौन कर लेता है? वुमेन्स कैप्सूल कर लेता है। और यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया जब अलग हो जाएगा तो आप टॉयलेट के थ्रू बाहर चले जाओगे तो यूरिया आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये किसका काम होता है? वुमेन्स कैप्सूल का। और यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। थैंक यू।